सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं तबस्सुम यूनुस खान, खंडवा से हमारे रिपोर्टर संजय रघुवंशी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के गढ़ सांसद आदर्श ग्राम आरुदी में आम सभा। जीतू पटवारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में आम सभा को किया संबोधित। पंधाना विधानसभा सभा के ग्राम आरुदी में, जो कि जनसंख्या के समय से भाजपा का गढ़ रहा है, उस गांव में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के चुनावी वादों पर जमकर प्रहार किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन की अपील की। कुणाल चौधरी ने कहा, मुरैना का किसान खाद मांगता है तो सरकार उसे लाठी मारती है, महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है। जीतू पटवारी ने कहा, महंगाई से आम जनता परेशान है। साथियों, ये चुनाव नरेंद्र मोदी और शिवराज की अकल ठिकाने लगाने का चुनाव है। साथ ही कांग्रेस नेत्री प्रतिभा रघुवंशी, छाया मोरे, सुनील आर्य, सुनील जसवाल, वीरेंद्र सावने व अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा में जनता की भीड़ वक्ताओं को सुनने के लिए उमड़ी। प्रतिभा रघुवंशी, राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस, जीतू पटवारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। ये सबक सिखाने का समय है उन लोगों को जो देश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां कर रहे हैं, वो जो अपने आप को तानाशाह समझ के आम जनता को अपनी गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि राजनीति के अंदर वोट गिरवी रख के लिए जा सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि राजनीति में वोट कहीं ना कहीं पैटर्न के उससे लिए जा सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि दारू और पैसे के दम पे वोट खरीदने का काम हो सकता है। अरे, विधायक खरीदे जा सकते हैं पर जनता को खरीदना नामुमकिन है, जनता को खरीदना नामुमकिन है। आपसे कहने आया हूँ, बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कई बार आते हैं और कई बड़ी बड़े मंचों पे बात करते हैं। अभी बीजेपी के एक नेता किसी मंच पे कह रहे थे कि भैया अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और इस देश के अंदर अगर एक सीट भीज भी जाओगे तो कोई सरकार को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मेहनत करना बंद कर दो। मैंने कहा सही बात है आपकी कि अकेला चना भाव नहीं फोड़ सकता, पर ये बात याद रखना, अगर चना अपनी वाली पे आ जाए तो भर भूंजो की आग जरूर फोड़ सकता है, आग जरूर फोड़ सकता है। हमें आग फोड़ने का काम करना है, इस तानाशाह सरकार की उस आंखों को खोलने का काम करना है कि किस प्रकार से देश के अंदर, किस प्रकार परिस्थितियों के अंदर देश के अंदर जो तानाशाह की सरकार है, जो कहीं ना कहीं देश की आम जनता को लूटने का काम करती है, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने के बाद वो जिस प्रकार की परिस्थितियां करती है, आज जनता इनको समझ चुकी है कि झूठ और फरेब की राजनीति जो इस प्रदेश के अंदर चल रही है, झूठ और फरेब की राजनीति जो इस हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, जो झूठ और तानाशाह की राजनीति, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ इस देश को बेचने का काम करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि ये खामोश पिताजी, ये खामोश पिताजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन गुंडों के दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो यारो, कोहरा मचा दो यारो। और कोहरा तो खंडवा लोकसभा में इसका कितना असर होगा? अभी मैं बड़वा विधानसभा के सनावत कार्यालय पे और बड़वा कार्यालय पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके आ रहा हूँ। लोगों ने कहा 10,000 वोट इस विधानसभा के बढ़ेंगे। सवाल है शिवराज सिंह चौहान जो जिस तरीके की लोकतंत्र की खरीद फरोख कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वोट के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जनता के मत के महत्व को घटा रहे हैं, ये जनता को दिख रहा है और वो आक्रोशित है। मैं मानता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान को मुबारक हो सचिन बिरला, जनता का मत कांग्रेस पार्टी और राजनारायण सिंह जी के साथ और बड़ा है। इससे मैं मानता हूँ कि उन लोगों को सबक मिलेगा जो लोकतंत्र को मजाक समझ रहे हैं, वो चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे बिके हुए विधायक।
शिवराज सिंह जी ने कहा 20 करोड़ रुपए का आरोप प्रत्यारोप लगेगा, हमने नहीं लगाया, उससे पहले ही बोल दिए। यानी प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में महिलाओं को आज की डेट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो मानसिकता है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को दयम दर्जे का प्राणी इस देश में समझा, ये उसी का नतीजा है कि महिलाएं आज अपनी अस्मिता जब लुटती है तो हम उनसे चिल्लाते हैं, गुहार मांगते हैं, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जा रही। ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हाथरस अब तुमने देखा, लखीमपुर खीरी हम सब ने देखा, और आज दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार की नाक के नीचे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती होने के बाद वो थाने थाने भटक रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं सुन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में महिलाओं को जीने का हक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को जो देश में आधी आबादी है उनके हक की रक्षा करना नहीं जानती? हम वो लोग थे जिस देश में जब जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो महिलाओं ने बराबरी से अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश को न केवल पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली विधानसभा की उपाध्यक्ष इस मध्य प्रदेश में दिया। तो क्या है ये जो महंगाई की मार का नारा लेकर मोदी जी आ जाए थे? सबसे ज़्यादा मार यदि किसी को पड़ी है तो वो हमारी महिला साथियों को पड़ी है। घर में दो वक्त की रोटी बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर आपने दिया था आज 1000 रुपये का हो गया है। आपने उज्ज्वला के बड़े बड़े बैनर तो बनवा लिए लेकिन आज भंगार में बेचने की कवायद हमारे देश में महिलाएँ लड़ रही हैं। हमारा त्यौहार दीपावली का आ रहा है, किस मुँह से हम बनाएंगे? इतनी महंगाई है कि न घर में दीप जलाने के लिए वो तेल जो 60 रुपये किलो हुआ करता था, लीटर में मिला करता था, आज 220 रुपये लीटर हो गया है। तो बढ़ती हुई महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाएं झेल रही हैं, इसलिए ये चुनाव में आधी आबादी आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है, होश ठिकाने में लाने के लिए तैयार है। खाद्य वस्तुएं 4 गुना कीमत में खरीदे, रेल का किराया। मुखवास की जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह, सौफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ, नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सास अब आपके पास, आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे 1 रुपया।